कुमार जोशी रेस्टो हॉल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न मई महीना कैसा रहेगा, एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए मई महीना कैसा रहेगा। देखिए लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने एसेंडेंट, मैं वेरी फर्स्ट थिंग आपको एसेंडेंट समझाता हूं और आप लोग जो देख रहे हैं राशि उसमें फर्क समझा रहा हूं। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है विच इज योर एसेंडेंट। देखिए लग्न कुंडली मतलब देखिए आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से ये पहली कुंडली इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स लग्न कुंडली ही होती बनाते हैं, मैनुअल हो या कंप्यूटराइज हो लग्न कुंडली पहली कुंडली बनती है। और यहाँ 11 लिखा है मतलब 11वीं राशि आपका लग्न है, 11वीं राशि कुंभ है, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, 11वीं राशि कुंभ है और कुंभ आपका लग्न है। वेरी फर्स्ट थिंग ये बात हुई। और आप लोग क्या देख रहे हैं कि आपके ये लग्न कुंडली वाले चार्ट में कहीं भी कोई भी आंकड़ा लिखा उससे मतलब नहीं है, लेकिन चंद्र लिखा है वह 11 होगा। इसके लिए आप सोचते हैं मेरी कुंभ राशि है और आप कुंभ के वीडियो देखते हैं, इस तरह से मत देखिएगा, नहीं देखिएगा। मैं जैसा बता रहा हूँ कम से कम एटलीस्ट मेरे वीडियो तो आप इसी तरीके से देखिएगा और आपको प्रिडिक्शंस में देखिएगा काफ़ी करीबी तक आप पहुँच पाएंगे लग्न कुंडली से। अभी ये महीने के लिए मैंने हेडिंग दिया है कर्मस्थान में तरक्की, या अगर जो जॉब आप सर्च कर रहे हैं या जॉब में जंप करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए पूरा साल भर गुरु कर्मस्थान में है, कर्मस्थान में तरक्की आपको मिलेगी काम धंधे में। संतान से विवाद है, फिफ्थ हाउस में राहु है, अगर आपके बच्चे हैं मैरिड है और बच्चे हैं आपको तो संतान से विवाद होगा आने वाले 1.5 साल में। संतान स्थान में आया हुआ राहु, देखिए रोग स्थान से आपको मुक्त किया है राहु ने, लेकिन ये संतान स्थान में आया हुआ राहु आपके बच्चों से संतान से विवाद करवाएगा। कोई लड़की वड़की का चक्कर है, प्रेम में निष्फलता मिल सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का राहु इल्यूजन पैदा करता है। इल्यूजन मतलब भ्रम निर्माण होता है और झगड़ा झगड़ी का माहौल हो जाता है, दैट इज द राहु इन द फिफ्थ हाउस। राहु पंचम में प्रिडिक्शन करते वक्त जनरली देखिए ईयरली प्रिडिक्शन हो मंथली प्रिडिक्शन हो तो हम लोग ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं गुरु राहु और शनि जैसे ग्रहों को। आप ये चार्ट को देखेंगे आपके कुंभ का स्काई की पोजीशन को तो गुरु फेवरेबल है पूरे साल के लिए आपके लिए। अभी ये 10वां गुरु है फोर्थ हाउस को देख रहा है, ऑलरेडी मंगल है वहाँ, आप घर लेने के चक्कर में होंगे तो घर आप ले सकेंगे इस वक्त। कर्मस्थान में आपकी तरक्की है और घर का भी योग बन रहा है, बच्चों से विवाद है, शनि 11वें में है, लग्नेश 11वें में है, यानी कि प्रॉपर्टी में धीरे 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 राइज कर रहा है। प्रॉपर्टीज में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं 24 जनवरी 2020 के पहले कर लीजिएगा, नहीं तो शनि फिर 12वें में जाएगा, यानी कि फिर आ जाएगा गलती करने की जगह पे। लग्नेश 12 में अकेला रहना तकलीफ की बात हो जाएगी। तो अभी प्रेजेंटली जो स्लो मूविंग लास्ट 1.5-2 साल में आपने काफ़ी प्रॉपर्टीज जमा की है या तो प्रॉपर्टीज में पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, ये अच्छी चीज है आपके लिए। अभी एट ए ग्लांस देखिए, अभी पहली नजर पड़ती है आपकी धनस्थान में बुध नीच राशि का, उसके साथ शुक्र उच्च का, एक प्रकार का निजभक राजयोग है, ये नीच के ग्रह के साथ उच्च का ग्रह है, अच्छा रिजल्ट देता है वो। यहाँ ये बुध का कटु वचन बोलने की बात है लेकिन शुक्र की सुग्री बात है, यानी कि वो नेगेटिविटी से बरकरार है, बच गया है। धनस्थान में उच्च का ग्रह देखिए, कोई भी कुंडली में जन्म कुंडली में हो, धनस्थान में उच्च का ग्रह हो या लाभस्थान में उच्च का ग्रह हो, लाभस्थान मतलब 11वां स्थान, धनस्थान मतलब पैसे का स्थान, यहाँ उच्च का कोई भी ग्रह हो ये इंसान को फाइनेंशियल लाभवंत बनाता है। अमीरों की कुंडलियों में लाभस्थान और धनस्थान में ग्रह उच्च के होते हैं। लग्नेश 6, 8, 12 में लगभग नहीं होता, साउंड पोजीशन में होता है, लग्नेश दशम में होता है, केतु के साथ होता है, ये सब लकी चीज़ है। मतलब ये शुक्र का आपको एडवांटेज मिला है सेकेंड हाउस में, आपका उच्च का शुक्र अभी 10 मई को ये शुक्र उच्च का थर्ड हाउस में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो बेनिफिट देना था आपको फूड फैमिली एंड फाइनेंस तीनों तीन एंजॉय करने के लिए सेकेंड हाउस में आया हुआ शुक्र ने काफ़ी आपके लिए अच्छा खाना मिला, अच्छा सा फैमिली के साथ फाइनेंशियल आपका हालत अच्छा रहा और एंजॉय किया अपने परिवार के साथ, ये चीज़ हुआ। सूर्य थर्ड हाउस में है आपके, 15 मई से ये आपके फोर्थ हाउस में जाएगा, थर्ड हाउस में आया हुआ सूर्य आपके पड़ोस
के लोगों का ईगो उच्च का सूर्य है, पड़ोस के लोगों का ईगो और भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं से भाई बहनों को भी ज्यादा सम्मान प्रिय हो गए हैं ये लोग भी। मतलब आपने कुछ बोल दिया हो तो जल्दी बुरा लग सकता है। सूर्य आपके थर्ड हाउस में आया, उसने ये लाभ दिया और 15 मई से आपके फोर्थ हाउस में सूर्य जाएगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि में मतलब फोर्थ हाउस में सूर्य इंसान को थोड़ा डिस्टर्ब करता है शांति को, क्योंकि फोर्थ हाउस में मन की शांति है। देखिए ऑलरेडी वहाँ मंगल था, 7 मई से मंगल आपके आगे जाके फिफ्थ हाउस में जा रहा है 7 मई को। बुध मंगल बुध मेष राशि में और मंगल मिथुन में। देखिए 7 मई से 17 मई में लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड थर्ड इज इंटरचेंज, मतलब पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड थर्ड, पंचमेश एंड तृतीयेश, पंचम स्थान है प्रेम का, थर्ड हाउस है पड़ोस का, तो प्रेम और पड़ोस का चक्कर है और उसमें कहीं ना कहीं देखिए विवाद भी है, क्योंकि मंगल राहु के साथ है। ये प्रणय भंग करने वाला चक्कर वाला चीज है। आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान में एजुकेशन में ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी फिफ्थ हाउस में राहु और मंगल की युति देखिए प्रेम भंग वाला सिचुएशन बना रही है। पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो आपके पड़ोस में प्रेम की वाली बात की है ये। और ऐसे भी देखिए एक्वेरियस लग्न और कैप्रिकॉन, इनको केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र होता है। केंद्र में वृषभ राशि है, त्रिकोण में तुला राशि है, दोनों का स्वामी शुक्र है। कोई भी ग्रह जब एक ही केंद्र, कोई भी केंद्र का और त्रिकोण का ग्रह एक ही हो तब वो राजयोग बनाता है। आपके लिए शुक्र योग कारक है, लेकिन ये फिफ्थ हाउस और तृतीय स्थान का नेगेटिविटी, प्रेम में निष्फलता जो मैंने यहाँ लिखा है वो टाइटल किया है संतान से विवाद। फिफ्थ हाउस का राहु, याद रखिएगा संतान से भी विवाद दिलवाता है। शनि की एस्पेक्ट भी संतान सन पे है, राहु भी फिफ्थ हाउस में है, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं उसको आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि की एस्पेक्ट है फिफ्थ हाउस में। आपके मित्र भी आपको मिसगाइड करेंगे। शनि का 11th हाउस में मैंने देखा है प्रॉपर्टियां बनती है, फ्रेंड्स की एडवाइस ना ले तो बेहतर है। 11th स्थान में शनि अच्छा माना जाता है, 3rd हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस। 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छे, शनि केतु अच्छा रिजल्ट देगा 11th स्थान में। ये ओवरऑल चित्र है आपका महीने का। अभी आप ये देखेंगे कि बैड डेज को रिमार्क करना है। 6वां चंद्र, 8वां चंद्र और 12वां चंद्र, यानी कि कर्क का चंद्र, कन्या राशि का चंद्र और मकर राशि का चंद्र आपके लिए नुकसानकारक साबित होगा। 10 मई से 11 मई कर्क राशि का चंद्र है, 6 में है फिर भी ये मानसिक टेंशन देगा। 8 में है, 14 मई से 16 मई कन्या का चंद्र, ये भी मानसिक प्रेशर करेगा नेगेटिव। मतलब कहीं भी अगर आपको लगता है कि यहाँ जगह जाना अपमानजनक रहेगा तो 14 से 16 100% 14 15 16 टालिएगा। 23, 24, 25 मकर का चंद्र है 12वां, 23 मई 24 मई और 25 मई 12वां चंद्र है मकर का, इसको भी टालिएगा, ये भी बैड डे है। 6, 8 एंड 12 ये टालने हैं आपको। अभी ओवरऑल देखिए थोड़ा खगोल के बारे में बताता हूँ, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, कुछ और योग बनते हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं, एस्ट्रोनॉमी या दूसरे योग के बारे में। 2 मई को चंद्र शुक्र की युति हो रही है आपके धन स्थान में। टेम्पररी खाना खाने के लिए, परिवार के लिए खुशियां मनाने के लिए, कुटुंब के साथ का ये एंजॉयमेंट का दिन है। ये दिन शायद हो सकता है किसी दोस्त की पार्टी वार्टी हो और आपको एंजॉय करने के लिए मिले। 2 मई विल बी ए गुड डे, आनंद का दिन है ये। 3 मई चंद्र बुध की युति हो रही है मेष राशि में, चंद्र और बुध की षष्ठेश है, मतलब बोलने में पड़ोसी के साथ ध्यान में रखिएगा कोई झगड़ा झगड़ी का माहौल ना खड़ा हो जाए। 3 मई को षष्ठेश है चंद्र, इसके लिए अमावस है मेष राशि में 3rd हाउस में आपके। भाई बहन के साथ कोई विवाद को टालिएगा। देखिए राहु फिफ्थ हाउस में है आपके, फिफ्थ हाउस में राहु है और मंगल आ रहा है,
राहु मंगल का अंगारक योग हो रहा है, शनि राहु का अपोजिशन है, जरा भी अच्छा नहीं है संतान स्थान के लिए। आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए और 4 मई को अमावस है, अमास पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करो और बहते पानी में नारियल को बहाना चाहिए। इससे राहु का दान है, राहु मस्तक है और नारियल सिर्फ मस्तक जैसा ही दिखता है, एज गुड एज। तो राहु को राहु पीड़ा में नारियल का दान का सजेशन दिया जाता है। 4 मई को अमावस है और 18 मई को पूर्णिमा, तो 4 मई या 18 मई को ये विष्णु सहस्त्रनाम का पूजा आपको करना चाहिए। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना है आपके संतान स्थान में 8 मई को। अगर आप करना चाहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम 8 मई को, आपको फायदा दिखाई भी देगा। 4 मई को करके देखिएगा, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग कुछ ना कुछ फल देगा। षष्ठेश चंद्र है ये लक्ष्मी, लॉन्ग टाइम लक्ष्मी वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लक्ष्मी योग का फल मिलेगा आपको। 9 मई बुध अस्तोर है। 20 मई बुध का ज्यादा रोल नहीं है, आपका पंचमेश है, यानी कि संतान का बोलना और वो सब कम हो जाएगा आपके लिए। 20 मई चंद्र गुरु की युति है वृश्चिक राशि में आपके कर्मस्थान में, चंद्र गुरु की युति षष्ठेश कर्मस्थान में, कर्मस्थान में षष्ठेश का कर्मस्थान में आना यानी कि शत्रु की आपके सर पे आके बैठना, चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल लाभदायक रहेगा। शत्रु आपको ड्राइव करने की कोशिश करेगा, आपके आप पर आपको अपमानित भी कर सकता है, अपमानित भी कर्मस्थान में हो सकते हैं। चंद्र गुरु का युति देखिए 20 मई को कर्मस्थान में थोड़ा बहुत अपमानित कर सकता है आपको। कहाँ रिस्क लगता है तो 20 तारीख को भी, मेरे हिसाब से 20 तारीख का दिन भी टालिएगा। 21 तारीख को सूर्य बुध की युति है वृषभ राशि में, ये अच्छा दिन है, घर में कोई ना कोई चतुराई पूर्ण वातावरण, ये अच्छा दिन रहेगा। 23 मई को शनि चंद्र की धनु राशि में युति है 11वें स्थान में, कोई दोस्त के साथ का कोई हिसाब किताब की बात है ये 23 मई को। फ्रेंड्स, शनि 11वां स्थान और शनि चंद्र यानी कि षष्ठेश, पैसे का हिसाब की कोई बात है, खर्चे की, दोस्तों के साथ का कोई एक्सपेंसेस का कोई बात है, वो कोई अकाउंट्स का क्लैरिटी है वो चीज़ है फ्रेंड्स के साथ का। तो ये लेखा जोखा है आपके पूरे महीने का। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना भूलिएगा लाइक करना। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।